बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हसन रजा पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ PUBG का एडिक्शन क्यों होता है, PUBG से लत क्यों लगती है आप लोगों की और हम सब की। ऐसा क्या है यार जो इस गेम में जो सभी को लत लग जाती है PUBG गेम की, तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे बस आपको PUBG एडिक्शन के ही दीवाने मिलेंगे। तो आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो वहाँ पे PUBG खेलते हुए, कहीं पे भी ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे आपको PUBG खेलते हुए, वो घर से लौटेगा बंदा तो वहाँ पे भी वो गेम खेलेगा। जो देखो बच्चे से लेकर बड़ा तक इस गेम का दीवाना हो चुका है, इतना बड़ा एडिक्शन इस गेम में है। क्यों, आखिर क्यों ये जो फॉर्मूला यूज़ किया है डेवलपर ने, जिस गेम को बनाया गया है, तो उसी फॉर्मूले को अगर आप आपके बिजनेस में यूज़ करते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल पे यूज़ करते हैं या फिर आपकी वेबसाइट पर करते हैं, तो आप बहुत फास्ट रैंक करेंगे हर जगह पे। अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है वहाँ पे भी ये एडिक्शन क्यों होता है, आपकी लत क्यों दे सकते हैं, किसी वजह से दे सकते हैं, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे दो ऐसे फॉर्मूले लगाए गए हैं तो उसके मदद से ही करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस गेम के अंदर साइंस सबसे बड़ा अहम रोल है और दूसरा रोल है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों आखिर क्यों, साइंस ने कहा डोपा नामक आपके ब्रेन में एक ड्रग जनरेट होता है, उसकी मदद से आपको लत लग जाती है और एडिक्शन हो जाता है। टेक्निकल से रिलेटेड एक फॉर्मूला इजाद किया है टेक्निकल लोगों ने कि अगर आप इस फॉर्मूले को करोगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो आपको लत लगेगी ही लगेगी उस चीज़ की। डेवलपर जो होते हैं, गेम डेवलप करते हैं, जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, जो यूट्यूब की वीडियो क्रिएट करते हैं, वो लत लगाते हैं। और अगर आपका बिजनेस है, अगर आप किसी चीज को लत लगा दोगे तो वो लत लग जाएगी। तो कैसे लत लगती है वो मैं आपको बता देता हूँ। चार फॉर्मूले हैं, चारों को आप स्टेप बाय स्टेप यूज करोगे तो आपको 100% लत लगनी ही लगनी। सबसे पहला है मोटिवेशनल, आप अगर किसी को भी मोटिवेशन करोगे तो वो आपको लत लगेगी। दूसरा मोटिवेशन के बाद आता है, आप उसको चैलेंज दोगे कि यार ये करना, वो करना, वो कर, वो कर, वो कर, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद वो चैलेंज को जब पूरा कर लेता है तो बहुत खुशी होती है। खुशी होती है तो हमारे दिमाग में एक डोपामाइन नामक जो होता है वो हमें खुशी फील कराता है, तो हमें और करने की इच्छा होती है। हमें रिवॉर्ड दिए जाते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, तो रिवॉर्ड देने के बाद हमें खुशी होती है, यार हमें ये रैंकिंग मिली है, वो रैंकिंग मिली है। इसके बाद रिपीट होता है, फिर वापस से हमारा खेलने का मन होता है, वापस से हम खेलने के इच्छुक हो जाते हैं। रिपीट होगा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो एडिक्शन हो चुका है। तो मोटिवेशन, अगर आपको किसी चीज़ की मोटिवेशन मिली है कि उसको खेलने के लिए किया, नहीं यार एक बार खेल के देखना चाहिए, देखना चाहिए, देखना चाहिए, तो आप फर्स्ट टाइम खेलोगे उसको। अगर वीडियो है, यार वो बंदा बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, यार उसकी वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं, तो आप उस पर जाएंगे। उसके बाद चैलेंज, वहाँ पे आपको चैलेंज देगा, जैसे कि गेम में आपको चैलेंज दिए जाते हैं कि इस एरिया में आपको खेलना है, इतने इतने टाइम पर खेलना है और इस वे में आपको जाना है। आपको चैलेंज दिए जाएंगे कि यार ड्रॉप आएगा, ड्रॉप के पास जाना है, वहाँ पर फटाफट 2 सेकंड के अंदर फटाफट हमें लूट के वहाँ से भागना होगा, फिर वहाँ पर जो बंदे आएंगे उनको किल करना है और ब्लू लाइन आएगी, ब्लू लाइन से पहले हमें भागना है, ये चैलेंज है। और हमें कार लेनी है, बाइक लेनी है, और चैलेंज दिए जाते हैं। आप जाएंगे आरपी में जाएंगे तो वहां पे चैलेंज बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आपको बताए जाएंगे 20 किल AKM से किल करने हैं आपको और 20 बंदे को, ऐसे बहुत सारे चैलेंज दिए जाएंगे जो आपको करने में बहुत ही मजा आएगा। अगर चैलेंज नहीं होगा ना तो खेलने का भी मजा नहीं होगा। चैलेंज के बाद आपको रैंकिंग दी जाएगी कि यार इस हमारी ये रैंकिंग है, हमारी पोजीशन ये है, हमारे दोस्त की रैंकिंग ये है, हम उनसे आगे निकलना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम रैंकिंग को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद रिवॉर्ड, हमें रिवॉर्ड दिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज दिए जाते हैं, तो उसी की मदद से हम जीत पाते हैं और कर पाते हैं।
तो ये रैंकिंग है, रैंकिंग और रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जैसे ही हमें मिलता है तो हमारे ब्रांड में एक खुशी पैदा हो जाती है और उसकी ही मदद से हम दोबारा करने की सोचते हैं, दोबारा हमको चिकन डिनर लेना है तो लेना ही है। तो यही एक एडिक्शन है, यही एक तरीका है। इसी की मदद से आप आपके बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। कैसे? आप आपके आपके बिजनेस को मोटिवेशन दो, मोटिवेशन आपके जो भी कस्टमर होते हैं उनको मोटिवेशन दो कि यार ऐसा ऐसा है। फिर उसके बाद उनको चैलेंज दो, ये चैलेंज है, ये है चैलेंज है, ये कंप्लीट करोगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा, वो ऑफर मिलेगा। उसके बाद रिवॉर्ड दो, जो चैलेंज वो कंप्लीट करते तो उनको रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड देने के बाद वो वापस से आएंगे, रिपीट करेंगे आपके पास, आप ही के पास। तो ये है एक बहुत बड़ा फॉर्मूला और इसी की मदद से सभी ग्रो करते हैं और सभी जने बन जाते हैं कोई क्या। तो ये एडिक्शन का फॉर्मूला है, इसे यूज करोगे तो ही आप सक्सेस पा लोगे और एडिक्ट कर लोगे आपके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और पास में रिंग बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स, इतनी अच्छी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हमने एम रखा है करीब 50 लाइक्स इस वीडियो के लिए। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना और आपके सारे सवाल जवाब। और सबसे बड़ी बात, ये FQ वाली वीडियो है, आपके सारे सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं बहुत ईजी वे में। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सिंपल सा आपका कमेंट लिखिए और मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपका जवाब 100% दूंगा। तो शेयर तो करना ही करना अपने दोस्तों के साथ। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी पता चले। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल बटन पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए।